तो हेलो योर फैमिली वेलकम बैक आई एम विद टाइम एंड यू आर वाचिंग ब्लू लस्टर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले मतलब आप लोग देख ही सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में हूँ और आज हम लोग बात करने वाले ऐसे तीन जो कि अभी 2023 से लेकर 2024 में जो जो बाइक लॉन्च हुआ है वो कुछ बाइक हम लोग आसनसोल के शोरूम में अवेलेबल है तो आज हम लोग उसी बाइक्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि मेरे पास ही में शॉर्ट गन सिक्स सामने है हिमालयन और पीछे है गोरेला गोरेला जो कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था हम लोग का आसनसो में अभी आ चुका है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है दी ऑनल गोरेला फोर अपने पास आ चुका है सो so, ये बाइक जो है ये आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसको बोला जाता है स्मोक ए, फ्लैश सॉरी फ्लैश बोला जाता है इसमें तीन वेरिएंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं एक है एनालॉग डैश फ्लैश एनालॉग जो है वो बेस वेरिएंट है उसमें क्या आप लोगों को मीटी और थ्री वाला मीटर जो है वो मिल जाता है एंड जो डैश और फ्लैश में जो होता है वो उसमें आप लोगों को डिजिटल मीटर मिल जाता है तो चलिए अभी हम लोग इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं तो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले इस बाइक के बारे में सो so, इस बाइक का इंजन जो है वो सेम आपको हिमालयन के वाला इंजन मिल जाता है जो 450 सीसी हम लोग का निकाला गया था नया जो कि 2023 का एंड के तरफ निकाला गया था तो so, जो भी हो उससे बहुत सारे सिमिलर चीज़ें मिलता है जैसे कि ये फेंडर आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर सेम है पीछे का जो मतलब एग्जॉस्ट जो है वो भी आप लोग को सेम मिल जाता है बस कुछ चीज़ें चेंज है जैसे कि टैंक ये जो हैंडल मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर इसको स्क्रैपिल का लुक दिया गया तो so, चलिए अभी शुरू करते हैं इसके इंजन के बारे में जो इंजन जो है ये सी ए फोर फिफ्टी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कुल इंजन है फोर वेल डी एस सी इंजन है बी एसिक्स फेज वाला जो कि पावर प्रोड्यूस करता है फोर्टी बी ऑफ पावर और फोर्टी एन ऑफ टॉर्क मिल जाता है इसमें आप लोगों को सिक्स फीट ट्रांसमिशन मिल जाता है सो so, हम लोग अभी शुरू करते हैं फ्रंट से शुरू करते हैं फ्रंट में हम लोग मिल जाता है एक एल हेडलाइट एल इंडिकेटर्स फ्रंट फेंडर जो है वो प्लास्टिक का मिल जाता है आठ प्लस टू बोला जाता है इसको कोई दिक्कत नहीं है व्हील साइज जो है मैंने आप लोगों को बताया कि वो है सत्रह इंच का व्हील है क्योंकि ये स्क्रैमला बाइक है तो इसका जो टायर साइज़ है वो वन ट्वेंटी सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है जो कि आप लोगों को प्लस पॉइंट मिल जाता है ये जो सस्पेंशन है ये फोर्टी वन एम का शोवा की तरफ से मिल जाता है शोवा आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड बेस्ट सस्पेंशन बनाता है तो शोवा की तरफ से टेलीस्कोप एक फोर्टी वन एम का टेलीस्कोप सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाता है इसमें अगर अभी हम लोग इसके मीटर के बारे में बात कर ले तो चलिए इसको एक बार चालू करके देख लेते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है आप लोगों के सामने तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैस क्या क्या मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता है स्पीडोमीटर मिल जाता है फ्यूल गेज मिल जाता है आर मीटर मिल जाता है और भी कुछ है जैसे टॉगल करने के लिए शायद ये वाला बटन है क्या नहीं टॉगल नहीं हो रहा ओ अच्छा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेटिंग मिल जाता है अपेरेंस ट्रिप अपेरेंस माई व्हीकल सिस्टम इंफॉर्मेशन फेवरेट्स तो ये सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है इस बाइक में सवैज अभी हम लोग बात करने वाले इसके हैंडल के बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को वही जो सेम टिपिकल मीटर वाला स्विच मिल जाता है आप लोगों को रोटे रोटरी स्विच बोलते हैं हम लोग इसे तो इधर आप लोग देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट इधर आप लोगों का मेनू का बटन मिल जाता है यहाँ से आप लोग टॉगल कर सकते हैं ये हॉर्न इधर आप लोग आ जाएंगे तो इंजन का स्विच मिल जाता है इधर आपको मेनू का ऑप्शन है शायद ये मुझे भी नहीं पता है और हेज़र फ्लैशर आप लोगों को मिल जाता है इसमें अभी हम लोग टैंक के बारे में बात कर रहे हैं टैंक जो ए, है एलेवन लीटर्स का टैंक मिल जाता है और जिसमें माइलेज जो कंपनी केम करता है सामने क्लोज टू ट्वेंटी फाइव थर्टी अभी हम लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं पीछे जो आप लोग मिल जाता है आप लोग वही सेम सेवेंटीन इंच का एरज मिल जाता है जो जो ट्यूबलेस टायर के साथ आ जाता है इसका टायर सेक्शन है वो आप लोग को मिल जाता है वन सिक्सटी सेक्शन का जो कि सेगमेंट फर्स्ट है वन सिक्सटी वन सिक्सटी सेक्शन का टायर अभी तक 400 सीसी में कोई भी बाइक में नहीं मिला था इसमें आप लोगों को मिल जाता है 160 सिक्सटी सेक्शन का ये ब्लॉक पैटर्नस टायर बोलते हैं जो कि आप लोगों को मतलब ऑफ रोड एंड ऑन रोड दोनों में आप लोगों को मजा आएगा चलाने में यानी ये जो टर्न सिग्नल्स है ये भी एल मिल जाता है पीछे आप लोगों को बट उसमें आप लोग को एक चीज़ आप लोग देखने और इस में इसमें बैकलाइट नहीं है तो आप लोग सोच रहे हैं कि बैकलाइट है वही सेम हिमालयन वाला और बी में भी ये चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंटीग्रेटेड बैकलाइट आप लोग को इंडिकेटर्स के साथ ही मिल जाता है सो so गाइज़ अभी हम लोग बात करने वाले इसके सीट हाइट के बारे में जो सीट हाइट जो है सेवन एटी फाइव एम का सीट हाइट है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो वन सिक्सटी नाइन एम का ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें जो पीछे वाला जो सस्पेंशन मिल जाता है वो मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि सेम सोवा की तरफ से आते हैं सो गाइज यही था आज का वीडियो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके कर कर बताना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा तो मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए बाय